ओदे दरवाजे ते जाके इंतजार कर ते दुआ कर के ओदे दिल विच ना तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो। रमेश पागल हो गया क्या यार, कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई उसे पता ही नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसे बताऊंगा तो पता चलेगा ना। एक सेकंड, तू हुन तक दसिया नहीं, कदों दसेगा उन्हूं? यार जब किस्मत में लिखा होगा तब, वरना वरना क्या? वरना यही यार कि मैं समझूंगा कि वाहेगुरु जी ने लिखा ही नहीं। अरे मतलब मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं लिखी ना यार, या फिर उसे एक लाहासिल मोहब्बत समझ के भूल जाऊंगा। ओए मेरा वीर, मेरी जान, सानू वेखो, चट प्यार ते पट मंगनी ते चट पट विआह भी हो जाओ। यार मशीन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तू मेरी लाइफ में नहीं होता ना, मैं सारी जिंदगी की सारी फीलिंग्स किससे शेयर करता। हाँ वीर, मैं भी यही सोचना कि ओस वाहे गुरु ने ना मैंने तेरे लिए भेजा, वरना वरना जिस एक्सीडेंट विच मेरे माँ बापू मरे सन, मैं भी तो मर सकता सी। ओए पागल हो गया, ऐसी बातें कर रहा है यार? वीर है तू मेरा, रह यार जिंदा यार, मेरी उम्र लग जाती। ओ नहीं वीरे, नहीं, तेरे जिन्ने भी एहसान है ना मेरे ते, वो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। मैं हर वेले यही दुआ करदा मेरी सारी जिंदगी तेनू लग जावे, तेरे उत्ते आने वाली कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी मौत पहले मैं लवांगा, तेरा वीर लवेगा। आशरदा वीर है तू मेरा। आप आए ना, बैठे। अबू? हाँ। अबू उठे, आपसे कोई मिलने आया है। अरे भाई इस वक्त कौन मिलने आ गया? अरे छोटे चाय साहब आप? अरे अरे हाजी साहब आराम कीजिए, आपकी तबीयत का पता चला तो पूछने चला है जी। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, क्या मैं आपकी मिजाज पुरसी के लिए नहीं आ सकता? नहीं नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। नूर बेटा जाओ जल्दी से चाय बनाओ। जी अबू। नहीं रुकें आप, मैं बस जा रहा हूँ। रोशु? जी सरकार। हाजी साहब ये आपके इलाज के लिए। ये पैसे रखें आप, काम आएंगे। इजाजत दीजिए, चलता हूं, कल फिर आऊंगा। अबू मैं दरवाजा बंद कर। हाँ
नूर मेरी बात तो सुनो नूर, 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 नूर मेरी बात सुनो नूर, नूर। मेरी बात सुनो, आज आप मुझे चाहे कुछ भी समझ लो लेकिन कभी दिल की बात की बगैर जाऊंगा नहीं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बहुत सफर कर लिया। किस किस्म के घटिया इंसान है आप? अगर अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लें। मैं घटिया हूँ? बेशर्म हूँ, पागल हूँ, ढीठ हूँ, कुछ भी कहिए आप, लेकिन सच तो ये कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। मैं एक एक पल आपके लिए तरसता, आंखें बंद करूं तो आप, आंखें खोलूं तो आप, हर जगह आप, लेकिन मैं आपसे आई लव यू। तमाशा बना रहा सबके सामने। ओ यार आंधी नहीं पई, की टाइम होया दस। कल ते सुन, अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? चलो चल। इतनी देर? यार तेनू ते पता है ना स्कूलों निकलना कितना मुश्किल हैगा। भाई आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश, सिर्फ आपकी वजह से। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हो गया तो चलिए फिर। बिल्कुल चलो। चंगा मौसम कितना चंगा लग रहा है ना। बिल्कुल सोनी लग रही है। अरे तुसी किधर? आप लोगों के साथ? ओ यार तुसी ऐथे ही टिको ते सानू थोड़ी देर कल्ला छड़ दियो। यार रमेश वो ऐसी लड़की नहीं है यार। ओ यार समझिया कर, तेरी परजाई ने शॉपिंग करानिया ते दिल दियां गल्ला शल्ला करनिया। यार वो दिल दियां गल्ला ठीक है लेकिन मुझे ओ यार तन्नू घंटा गुजारना मौत लग रहा है। ओके चलिए। कहां जा रही हो तुम? यार रमेश के साथ वादा किया है, तुझे समझाया तो था। लेकिन प्लीज यार तुम भी तो समझो, मैं यहाँ अकेली थोड़ी रुक सकती हूँ यार। लेकिन यार ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं भी नहीं मानता फिर। चलो फिर ले ही चलते हैं। चलो फिर। चलो आ जा।
कितनी खूबसूरत लग रही है ना। आप भी पहनाई इतने प्यार से हैं कि हमसी चूड़ियां बहुत खास हो गई। क्या कर रहा रमेश, पागल हो गया क्या? क्या देखा ले विच गुम में? 10 मिनट तो आवाज़ मार रहे हैं। सॉरी यार। चल। मैंने ये ले जी, यहाँ के बेस्ट गोल रूप में ली। ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं, आपके लिए नहीं। पीछे पेड़ है ना, उसके लिए लेके आया। मुस्कुरा भी लेती। मुझे तो लगा था कि शायद आप सिर्फ परेशानी देते। सॉरी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे नूर जी, अगर आप माइंड ना करें तो आपसे एक सवाल पूछूं। आप ज़्यादा क्यों परेशान रहती हैं? तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? कोई खास वजह? बस शायद कुछ लोगों की जिंदगी में हंसना कम ही लिखा होता है। अच्छा खैर, आप अपने फ्रेंड से कहें ना वो सोनी को ले आए, मुझे बहुत देर हो रही है। अब मैं कहता हूँ उसके देखो। ये रमेश है ना, थोड़ा सा पागल है, दिल का अच्छा। वैसे मैं आपको, अब तो वैसा लड़का नहीं लगता ना जैसा आप सोच रही थी। सो फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स फ्रेंड्स Thank you. क्या बताऊं, तबीयत बहल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज स्कूल से देर में आई हो? वो अब्बू, सोनी मुझे जरा अपने साथ बाजार ले गई थी। अच्छा, चाय बना दो, घर में मेहमान आए हैं। जाओ मेरा बेटा। जी अबू। ओए ओए, गल से सुन, तेरा गल से सुन, की हो गया अब कोई जज की हो गया? गल से सुन, दस्ते सी होया की है? और फूल वाले भाई, आज सारे फूल लगा दे, लाल पीले नीले सारे फूल। वो या की है गल दस। उसने मुझे फ्रेंड्स कहा यार, वी आर फ्रेंड्स। ओ बहुता शोखा ना हो, ओ हले फ्रेंड है तेरी। ओए गर्लफ्रेंड भी बन जाएगी रमेश। गर्लफ्रेंड ज्यादा ना खुश होने की लोड नहीं। जली सुने की बोहरी कैसे यार? जेलस? आहो केड़ी गल तो जेलस होना मैं? ये तेरी वाली सिर्फ खूबसूरत है और मेरी वाली तो ज्यादा खूबसूरत। ठीक है ठीक है ठीक है।
यारा हाथ तो छोड़, दर्द हो रहा है यार तेरे भाई को। पहले सॉरी बोल, और क्या मेरी वाली सोनी है ज्यादा। ओके भाई सॉरी, तेरी वाली ज्यादा खूबसूरत है, अब तो छोड़ दे यार। हाँ ना गल। वैसे एक बात कहूँ, मेरी वाली ज्यादा खूबसूरत है। तेरी रुक। नूर, नूर बेटा। जी अबू जी। बेटा मेहमानों ने चाय पी ली है, ये बर्तन ले जाओ। जी ठीक है। आपके हाथ में बहुत जायका है, आपने चाय भी बहुत कमाल की बनाई है। शुक्रिया। अच्छा हाजी साहब इजाजत दीजिए। छोटे चौधरी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी के आपने गरीब खाने को रौनक बख्शी। वैसे इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? हाजी साहब इंसानियत भी कोई चीज होती है, लेन देन एक तरफ इंसानियत एक तरफ। वाह, लोग आपके बारे में कितना गलत सोचते हैं। लोगों की बातें छोड़ें हाजी साहब, आप अपनी बात करें। मैं क्या और मेरी बात क्या जी, मैं तो आपका नौकर हूँ, एहसानमंद हूँ, मकरूज हूँ आपका। नहीं नहीं हाजी साहब ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। शुक्रिया तो आपका हाजी साहब। जी वो चाय पिलाने का। जरा नवाजी, आइए। आँख उठी मोहब्बत ने हंगड़ाई दी, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया।